हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लैपटॉप का या लिखने का जो हैंड का शाइन है, उस तरह का शाइन अगर आपको एमएस वर्ड में बनाना है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। आप अगर सोच रहे हैं कि शायद हमें इंसर्ट में जाना पड़े, फिर यहाँ पर सिंबल में जाना पड़े, तो यहाँ पर तो आपको शायद ये देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का शाइन। तो फिर क्या करेंगे, कैसे ये बनाएंगे, तो आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, उसके थ्रू ये सिग्नेचर वाला शाइन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले आप लिखिएगा 2, अल्फा न्यूमेरिक की 2 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा, फिर 0 लिखिएगा, फिर D लिखिएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा D कैपिटल लिखिएगा, और कैपिटल लिखने के बाद ऑल्ट के साथ X प्रेस कर दीजिएगा, और देखिए ये शाइन आपका बन करके तैयार है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये देखिए यहाँ पर ये शाइन बन करके तैयार है, और कुछ इस तरीके से बना हुआ है। फिर बताता हूँ, पहले आप 2 प्रेस कीजिए, फिर 7 प्रेस कीजिए, फिर 0 और फिर D प्रेस कीजिए, और फिर Alt X कर दीजिए। देखिए दो दो बार बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी करके 4-5 जितना बनाना है यहाँ पे पेस्ट करते जाइए, ये हो जाएगा। और नहीं तो वो शॉर्टकट की तो है ही है, 270 D Alt X, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लैपटॉप का साइन बनाना है तो कैसे बनेंगे, तो देखिए यहां पर आप सीधे प्रेस कीजिए 1, अल्फा न्यूमेरिक की 1 प्रेस करना है, फिर प्रेस कीजिएगा F, फिर प्रेस कीजिएगा 4, यानी अल्फा न्यूमेरिक की 4 करिएगा, फिर B और एक बार और B, और अब आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की दबानी है Alt के साथ X। तो लीजिए लैपटॉप का शाइन बन गया आपके सामने, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कार्ड्स बनाने हैं, तो कल मैंने कार्ड्स के बारे में बताया था कैसे कार्ड्स बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप कार्ड्स भी बनाना चाहते हैं तो कल मैंने बताया ही था, वैसे फिर बता देता हूं। देखिए अगर आपको कार्ड्स बनाने हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की 1 प्रेस कीजिए, आप स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैपिटल भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो F हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर यहाँ देखिए स्मॉल में लिख देता हूँ, तो ये A हो गया। A लिखने के बाद यहाँ पर आपको 1 प्रेस करना है, और 1 प्रेस करके Alt के साथ X प्रेस करना है। देखिए ये कार्ड्स बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से फिर वही चीज की आपको 1 लिखिए, ठीक है, दूसरा कार्ड बनाने के लिए, फिर F लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर A लिखिए, और यहां पर 1 कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। और जैसे ही आप Alt के साथ X प्रेस करेंगे तो यहां पर ये दूसरा जो है कार्ड बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये तो 1 वाला हो गया, फिर 2 अलग करना था तो 2 वाले में वही आपको 1 F 0 A, और फिर यहाँ 2 कर दीजिए, तो 2 करेंगे तो दूसरा कार्ड बनेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला 2 वाला कार्ड बन गया, ठीक है। और फिर इसी तरीके से 1 F 0 A, और फिर यहाँ पे 3 कर देंगे तो एक अलग कार्ड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सब अलग अलग पान वाले कार्ड बनते हुए नजर आपको आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखिए ये टेलीफोन जैसा शाइन कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप प्रेस कीजिए 260 F और Alt X, देखिए टेलीफोन जैसा शाइन। फिर दिखाता हूँ, पहले प्रेस कीजिए 260, फिर प्रेस कीजिएगा आप Alt F और फिर Alt के साथ X, तो ये देखिए ये बन जाएगा टेलीफोन वाला शाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद आएंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।